हेलो फ्रेंड, दिस इज जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने सेक्शन ए का जो एमसीक्यू पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर दिया है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 11 to क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है ये आपका असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग ये देखेंगे कि असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। एंड अगेन हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये सीख लेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगा हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला हुआ है आपका जो पेपर है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पेपर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर है, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी हैं। जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना उस टाइम पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। If two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 cm, then the length of each tangent is equal to। देखो सर्किल पे जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं ना वो हमेशा इक्वल लेंथ के होते हैं। तो यहाँ पे ये टेंजेंट है, सर्किल बना हुआ है, इसका रेडियस है OA और OB जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से पॉइंट A से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, पॉइंट B से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया जो पॉइंट P पे आके मिल रहा है, और ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से AP, हमें AP और BP, AP या BP की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं तो हमें AP और BP की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखो OP ड्रॉ करके सबसे पहले हमने जो फिगर बना था उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। टेंजेंट 60 डिग्री पे होते हैं ना इंक्लाइंड, ये दिया हुआ है, तो ये वाला पार्ट कितने का हो गया, मिड पॉइंट से ये आपका हो गया 30 डिग्री। इट मींस ये देखो एक ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल एओपी, तो इस ट्रायंगल में जो एओ है हमारा, ये ट्रायंगल क्या होगा पहले तो ये देखो, देखो टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे सर्कल के साथ इंक्लाइंड होते हैं। हाँ, तो देखो टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे रेडियस के साथ बनाते हैं, तो हमारा एंगल ए और एंगल बी हो गया 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब देखो ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ए ओ पी जो हो गया ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है जो एंगल पी है ना, एंगल पी के सामने वाली लाइन साइड जो होती है ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, इट मींस ओ ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया, और 90 डिग्री के साइड वाला होता है हमारा हमेशा हाइपोटेन्यूस। तो क्या बचा, एपी हमारा बेस हो गया, हमें एपी की वैल्यू तो निकालनी है कि एपी कितना है, बेस निकाल कितना है, तो हमें एंगल परपेंडिकुलर और बेस ये रिलेशन कहाँ मिलता है, ये रिलेशन हमें मिलता है टेन के केस में। तो यहाँ पे tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 3, बेस हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से बेस कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बेस इज इक्वल टू आ गया हमारा 3√3। इट मीन्स जो बेस की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 3√3 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें एपी तो फाइंड करना था, और ये हमारा ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा बेस था, तो बेस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के। ये कॉन्सेप्ट क्यों लगा, क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल एओपी में हमें परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, हमें एंगल दिया हुआ है, और हमसे बेस पूछ रहा है, तो हमने ये फाइंड आउट किया कि ये रिलेशन हमें कहाँ मिलेगा, इसलिए tan 30 लगाया। tan 30 लगाने के बाद वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और बेस की वैल्यू निकाल ली। इट मींस जो हमारा ऑप्शन डी है दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर्कल जो है वो स्क्वायर के अंदर इनस्क्राइब्ड है, इनस्क्राइब्ड मींस सर्कल स्क्वायर के अंदर है, तो हमें उस सर्कल का एरिया पूछ रहा है, और जो स्क्वायर है उसकी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सर्किल का सर्कमफेरेंस है, एज जो है वो स्क्वायर के एज से टच कर रहा है, इट मीन जो सर्किल का डायमीटर होगा वो स्क्वायर के साइड के इक्वल होगा, डायमीटर जो होगा वो स्क्वायर के साइड के इक्वल होगा। इट मीन जो सर्किल का डायमीटर है वो आपका 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा आर इज इक्वल टू डी बाई टू, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 6/2 इज इक्वल टू
3 सेंटीमीटर. हमें यहां से सर्किल का रेडियस मिल गया, कितना आया रेडियस 3 सेंटीमीटर. अब हमें रेडियस पता है तो वहां से एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ सर्किल निकाल लो, एरिया ऑफ सर्किल. ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्किल का? पाई आर स्क्वायर. पाई आर की वैल्यू हमने निकाली है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 9 पाई. 3 का स्क्वायर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्वेश्चन इजी था एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन जो है वो आपकी एनसीईआरटी बुक का था. तो देखो अब अगर एनसीईआरटी बुक भी आप लोग पूरा पढ़ लोगे ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, फिर भी आपके 70% नंबर तो सिक्योर है. तो ध्यान रखो एनसीईआरटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी रेफरेंस बुक या सैंपल पेपर है. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर. हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट की सम दिया हुआ है. द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3 सेंटीमीटर. द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज. ठीक है, तो पहले तो देखो कि टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है. 2 LB + BH + HL ये होता है टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला. अच्छा, अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है L + B + H = 6√3. ये हमें गिवन है. ओके, और हमें क्या गिवन है? द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3. देखो यहां से ये है कि एक फॉर्मूला याद कर लो कि लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल जो होता है, डायगोनल की जो लेंथ होती है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है L² + B² + H². ये होता है लेंथ ऑफ द डायगोनल का फॉर्मूला. इन अ क्यूबॉइड लेंथ ऑफ अ डायगोनल इज इक्वल टू L² + B² + H² और ये हमें गिवन है 2√3. ठीक है, अब देखो कि इसका स्क्वायर ना, डायगोनल से रूट को हटाने के लिए अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर करने पर रूट हमारा हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा L² + B² + H². स्क्वायर करेंगे तो इसका भी करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड में, कितना आ जाएगा ये 2 × 4 × 3 = 12. तो हमें यहाँ से मिल गया, इस इक्वेशन से हमें मिल गया था L² + B² + H² = 12. ओके, और हमें एक इक्वेशन ये मिली हुई है L + B + H = 6√3. अब देखो जी, ये इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो. तो इक्वेशन 1 का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? L + B + H, इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे, इधर भी होल स्क्वायर कर दो. ओके, तो ये क्या हो गया? L² + B² + H² फॉर्मूला याद है ना, A + B + C का होल स्क्वायर लगा है यहाँ पे, 2 LB + BH + HL. ये हो गया ना हमारा TSA. अच्छा, ये हो गया 6√3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 6 × 36 और √3 का स्क्वायर 3, तो 36 × 3 = 108. यहां से हमें देखो इक्वेशन 2 से L² B² H² की वैल्यू पता है, कितना दिया हुआ यहाँ पे 12. 12 + 2 LB + BH + HL, यही तो हमारा TSA है, = 108. तो अब यहां से देखो 2 LB + BH + HL, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 108 - 12 = 96. इट मीन्स जो हमारा TSA है, टोटल सरफेस एरिया, वो कितना आ गया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो आ रहा है TSA, किसी ऑप्शन में आ रही है ऑप्शन सी. इट मींस कि ऑप्शन सी इज आवर आंसर. ओके, क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लेंथ ऑफ द डायगोनल, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, मे बी रेफरेंस बुक में आपको मिल जाए कि लेंथ ऑफ द डायगोनल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है √L² + B² + H². मेन इसी फॉर्मूले का काम था. अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज.
देखो एक फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, वहां पे ये तीनों टर्म्स एक साथ यूज होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, थ्री मीडियन, थ्री टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू टाइम्स मीन, ये होता है फॉर्मूला। ये ऐसा फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, और यहाँ पे मीन मोड एंड मीडियन का रिलेशनशिप हम लोग एक ही फॉर्मूला में डिफाइन करते हैं। देखो अब यहाँ पे ये समझो कि अगर हम ये बोल दें कि मोड, मोड को हम मान ले एक्स, मीडियन, मीडियन को हम मान ले वाई, और मीन इसको हम मान ले जेड, ठीक है, इसको सपोज कर लो। अब देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, मीन्स एक्स माइनस वाई, डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 24, ठीक है, ये इसको मान लो इक्वेशन वन, और हमें निकालना है डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। हमें निकालना क्या है, डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, इट मीन्स हमें निकालना है वाई माइनस जेड, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो इक्वेशन वन से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 24, ये तो मिला, मीन्स मोड इज इक्वल टू मीडियन प्लस 24। इस इक्वेशन को यहां पे पुट करो, ऊपर वाले में जो इम्पेरिकल फॉर्मूला है वहां पे पुट करो। इम्पेरिकल फॉर्मूला को x, y, z के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 3y इज इक्वल टू x प्लस 2z, ये आया इम्पेरिकल फॉर्मूला को लिखने पर। इसको पुट करेंगे इसमें इक्वेशन थ्री में, इक्वेशन वन को इक्वेशन थ्री में पुट करो, पुट करने पे क्या आएगा, 3y तो ऐसी रहेगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस 24 प्लस 2z। इसको आगे सॉल्व करो, 3y माइनस 2y, 2y 24 को भी इधर लेके आ जाओ, माइनस 24 इज इक्वल टू 2z, 2 कॉमन आ गया, कितना बचेगा, y माइनस 12 इज इक्वल टू 2z, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो y माइनस 12 इज इक्वल टू z, यहां से ट्रांसपोज करवा y माइनस z, z को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए, 12 को राइट हैंड साइड में लेके आ गए, तो y माइनस z इज इक्वल टू 12, हमें यही तो फाइंड आउट करना था, y माइनस z इज इक्वल टू 12, तो y माइनस z इज इक्वल टू 12, इट मीन्स कि डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन, आंसर क्या आया, 12 आया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। y माइनस z क्या है हमारा, y माइनस z हमारा है मीडियन माइनस मीन, आंसर कितना आया, 12 आया। देखो हमने मीडियन को y सपोज किया था और मीन को z सपोज किया था, ठीक है, तो मीडियन माइनस मीन y माइनस z इज इक्वल टू 12, y माइनस z इज इक्वल टू 12। होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, मे बी आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पे इम्पेरिकल फॉर्मूला यूज हुआ है। अभी जब आप लोग स्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे वहां पे आप लोग देखेंगे कि हम लोग इम्पेरिकल फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इम्पेरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन अ रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज। देखो एक सर्किल है, व्हील हमेशा सर्कुलर फॉर्म में होता है, इस सर्किल को अगर हम यहां से कट लगा देंगे और इसको हम खोल देंगे तो क्या मिलेगा हमें, सर्कमफेरेंस की लेंथ मिल गई। सर्किल को अगर हम कट लगा के ओपन कर देंगे तो हमें सर्कमफेरेंस लेंथ मिलेगी, बट वो लेंथ होगी सर्कमफेरेंस के इक्वल में, ठीक है, और हमें जो सर्किल है उसका हमें रेडियस पता है, तो हमें सर्किल का अगर रेडियस पता है, कितना दिया हुआ है रेडियस इसका, 0.25 रेडियस दिया हुआ है, तो अगर रेडियस दिया है हम सर्कल को कट लगाएंगे तो हमें सर्कमफेरेंस मिल जाएगा, सर्कमफेरेंस का लेंथ हम निकाल सकते हैं, जो लेंथ है इसको हम निकाल सकते हैं 2πr से, 2πr से हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, r कितना दिया हुआ है 0.25 मीटर दिया हुआ है। तो अब देखो कि जब कोई व्हील रोल करता है ना, जब कोई व्हील हम लोग रोल कराते हैं तो व्हील हमेशा अपने सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है, और हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है व्हील को, 11 किलोमीटर करना है। इट मींस जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वो कवर करेगा एक व्हील जिसका कि हमें सर्कमफेरेंस पता है वो कितना होगा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन
is equal to total distance. Upon circumference of field. Circumference of wheel. ठीक है, तो हमें टोटल डिस्टेंस दिया है 11 किलोमीटर. देखो यहां पे ये है किलोमीटर में और रेडियस दिया हुआ है मीटर में, तो 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 11,000 मीटर अपॉन 2 पाई आर, 2 इंटू 22 बाई 7, आर ले लिया हमने 0.25, ये भी मीटर में हो गया. ठीक है, अब देखो कट करना स्टार्ट करो. यहां से क्या आएगा, यहां से ये 11,000 7 चला गया ऊपर, नीचे क्या बचा, 2 इंटू 22 इंटू 0.25, 2 और 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 इंटू 22. इसको आगे भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 11,000 इंटू 7 अपॉन 11, तो 11 से ये कट गया, कितना आया 1,000 आ गया. ये कितना आ जाएगा, 1,000 इंटू 7 इज इक्वल टू 7,000. इट मीन्स कि 11 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक 0.25 रेडियस के व्हील को 7,000 बार चक्कर लगाना पड़ेगा, चक्कर काटना पड़ेगा उस 11,000 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज योर आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन भी आपके स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है. फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमें क्लास दिया हुआ है, हमें फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, तो हमें यहां से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा. क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूछ रहा है सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास. तो मीडियन एंड मॉडल क्लास को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है. जब भी बात करेंगे मॉडल क्लास की या मीडियन क्लास की तो हमें वहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है. तो देखो क्लास दिया हुआ है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, 15, 12, 20 और 9, ये तो दिया हुआ है. यहां से सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो. कैसे निकलेगा, पहले वाले को हम लोग 10 को 10 ही लिख देते हैं. ओके, उसके बाद क्या करते हैं, 10 और 15 को ऐड करो, इस 10 को और यहाँ के 15 को, कितना हुआ 25. देन क्या करेंगे, 25 और इस 12 को ऐड करो, कितना आएगा 25 और 12 37. अगेन 37 और 20 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 57. 57 और 9 को ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा 66. ओके, तो हमने यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली. ये 66 क्या होता है, पहले ये समझो, 66 होता है हमारा सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी. अगर हम इसको भी ऐड करेंगे ना तब भी हमारा आंसर 66 आएगा, जो ये लास्ट वाले टर्म के इक्वल होता है. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा एन से. हमारा यहाँ पे 66 जो है ये 66 टर्म्स है, एन इज इक्वल टू 66. यहाँ पे हम लोग हमेशा टर्म की बात करते हैं. ठीक है, तो 66 टर्म्स है यहाँ पे. अब देखो ये पूछ रहा है मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के लिए मोड क्या होता है, जिसके सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी होती है ना, तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे क्या है 20 सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी है. तो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, ये आपका मॉडल क्लास बन गया, ये आपका बन गया मॉडल क्लास. और मॉडल क्लास के लिए पूछ रहा है लोअर लिमिट क्या है, तो फॉर मॉडल क्लास लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे मॉडल क्लास क्या है आपका 15-20 है, तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 15. ये हमारा मॉडल क्लास का लोअर लिमिट आ गया. ओके, अब हम लोग समझते हैं एक बार कि हम लोग मीडियम क्लास कैसे निकालते हैं और फिर मीडियम क्लास के लिए हम लोग लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे. ठीक है, देखो यहाँ पे मीडियम होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है एन 66 है ना, 66 है, इट मींस इवन नंबर है. इवन नंबर के लिए क्या होता है फॉर्मूला, nth टर्म अपॉन 2. तो यहां से मीडियन क्या निकलेगा हमारा 66 अपॉन 2, ये टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, मीडियन टर्म. ठीक है, तो ये हमारा आ गया 33th. ये जो हमारा टर्म होगा ये हमारा होगा मीडियन टर्म. ठीक है, अब देखो 33 के लिए हम लोग कौन सा क्लास लेंगे ये समझने की कोशिश करो. देखो यहां तक तो 25 हो गया, इट मींस जो हमारा 33 है वो इस पे लाई करेगा, 10 टू 15 वाले पे लाई करेगा 33.
ओके तो हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे 37 है ना, तो इसीलिए 10-15 जो मीडियन क्लास के लिए हम लोग लेंगे, 10-15 वाले क्लास को हम लोग मीडियन क्लास कंसिडर करेंगे। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है, ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। ठीक है, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो गई, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट हो गई वो हो गई हमारी 10। हमसे पूछ रहा है कि सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, ये होगी आपकी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। ठीक है, अब सम पूछ रहा है, सम कितना आएगा, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना था, 10 था, और मॉडल क्लास का था हमारा 15, तो कितना हो गया सम, 25। तो हमारा जो सम हो गया मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास का लोअर लिमिट का सम, इट इज 25। तो आवर आंसर इज बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है। टू डाइज आर रोल साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिक्स विल कम अप एट लीस्ट वंस। देखो, जब हम लोग टू डाइज को रोल करते हैं तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, एक डाई में सिक्स हुआ, टू डाइज में 6 × 6 इज इक्वल टू 36। तो जब हमने टू डाइस को रोल किया तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स बन गए 36। यहाँ मैंने 36 पॉसिबल आउटकम्स को लिस्ट आउट किया हुआ है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ये निकालना आता है ना कि हम लोग पॉसिबल आउटकम को लिखते कैसे हैं। ये हो गया आपका डाई वन, ये हो गया आपका डाई टू। ठीक है, नंबर लिख लिया 1 × 6, 1 × 6 लिख लिया, अब फिर 1, 1, 1, 2, 1, 3 ऐसे करके ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द पॉसिबल दैट सिक्स विल कम एट लीस्ट वन। तो सिक्स एक बार आए या एक से अधिक बार आए, तो ऐसे पॉसिबल आउटकम्स को, ऐसे फेवरेबल आउटकम्स को हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे आया है, ये है 1, 2, 3, 4, 5 और फिर यहाँ से एक बार आए या एक से अधिक बार आए, ये हमारे हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम। ओके, जितने भी सर्किल्स हैं उनको मार्क करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो प्रोबेबिलिटी सिक्स का होने का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना है आपका 11 है, टोटल आउटकम कितना है 36 है। इट मीन्स 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 एटलीस्ट 6 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है आपकी 11/36। आंसर आ रहा है, हाँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 11/36 इज योर आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये, और मोर इंपॉर्टेंटली ये भी बुक का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अगेन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 18, इफ 5, 10, b इज इक्वल टू 4 तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ये देखो कि 5, 10, beta इज इक्वल टू 4, तो यहां से 10 beta की वैल्यू निकल जाएगी, 10 beta इज इक्वल टू 4/5 मिल गया हमें, 10 beta की वैल्यू 4/5। अब देखो हमें जो गिवन है वो है 5 sin beta - 2 cos beta अपॉन 5 sin beta + 2 cos beta, ये हमें गिवन है। तो देखो कि हमें साइन दिया हुआ है, इस साइन को हमें टेन में कैसे बदलना है, उसके लिए हम लोग पूरे पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस बीटा से डिवाइड कर दो। तो हमें साइन बीटा दिया हुआ है और उसको पूरे को कॉस बीटा से डिवाइड कर दो, देखो क्या आएगा, 5 sin beta - cos beta अपॉन कॉस बीटा। ठीक है, डिवाइड कर दिया हमने न्यूमरेटर को, फिर से होल अपॉन लगाओ, 5 sin beta + 2 cos beta, यहां पे भी 2 था, 2 cos beta, इसको भी डिवाइड कर दो कॉस बीटा से, हमने डिनोमिनेटर को भी कॉस बीटा से डिवाइड कर दिया। यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिलेगा 5 sin beta upon cos beta, न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं अब हम लोग,
माइनस टू कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा। फिर से एक हमने क्या किया, हमने इंडिविजुअली उसको डिवाइड किया, फाइव साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस टू कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा। नीचे भी ऐसे ही करेंगे, फाइव साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस टू कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा। इसको हमें अलग अलग इंडिविजुअल लिख लिया, इंडिविजुअल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया। देखो ऊपर वाले से हमें क्या मिलेगा, ऊपर से हमें मिल गया फाइव साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, कितना होता है टेन बीटा, यही तो चाहिए था हमें। टू कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा कितना हो गया, टू आ गया। फाइव साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, यहाँ पर भी फाइव टेन बीटा हो गया और यहाँ पर भी प्लस टू, टू कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा, कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल आउट हो गया तो कितना आया यहाँ पे टू। ठीक है, अब फाइव टेन बीटा, अब हमें टेन बीटा की जो वैल्यू है वो हमने निकाली थी उस टाइम, कितना आया था फोर बाई फाइव आया था, तो फाइव इंटू फोर बाई फाइव माइनस टू, नीचे भी फाइव इंटू फोर बाई फाइव प्लस टू, फाइव से फाइव कैंसिल आउट हुआ ऊपर और नीचे सब जगह। ठीक है, तो कितना आया फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू, फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स, तो कितना आंसर आया वन अपॉन थ्री। दिस इज योर आंसर, कहीं पे आ रहा है आंसर, हाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हमारा आंसर कितना आया वन अपॉन थ्री आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये जो है ना ये आपका assertion reason based question है। पहले तो ये समझो कि assertion reason based question इस साल से आपके सीबीएसई ने पेपर में दिया क्यों है। देखो क्या होता है कि 10th onwards हम लोग जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं ना, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में assertion reason based question आता है, फॉर श्योर आता है, तो आप लोग का एक प्रैक्टिस बना रहे, मतलब ये क्वेश्चन जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए तो आपको ये ना लगे कि हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल नए तरीके का है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको पहले से रहे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग इसके आंसर्स को चेक करते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग रहे आपको, इसलिए सीबीएसई ने इसको इंक्लूड किया हुआ है। हम लोग जितने भी आईआईटी के एग्जाम्स देते हैं ना आफ्टर ट्वेल्थ, और या हम लोग सिक्स सेवन्थ एट्थ के जो फंडामेंटल आईआईटीज के एग्जाम्स होते हैं, उन सब जगह ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर श्योर आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सीबीएसई ने इसको इंक्लूड किया हुआ है। अब समझो कि assertion reason based हम लोग क्वेश्चन करते कैसे हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट होता है, पहला होता है assertion, दूसरा होता है reason। स्टेटमेंट ए हो गया आपका assertion, स्टेटमेंट आर हो गया आपका reason। तो ये देखो कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे assertion और reason को, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो reason है क्या वो assertion का पार्ट है। अगर है, ठीक है, अगर है तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए या बी में से आएगा, और अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हुआ तो आंख बंद करके ब्लाइंडली सी और डी में टिक कर दो। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हुआ, या तो assertion फॉल्स होगा, सॉल्व करके देखो अगर फॉल्स आया, या तो रीजन फॉल्स होगा, दोनों को सॉल्व करो, कोई भी एक फॉल्स हुआ तो यहाँ पे सी और डी इसका ऑप्शन होगा। और अगर दोनों सही होते हैं, दोनों आंसर अगर हम लोग करेक्ट मानते हैं, assertion को सॉल्व करो करेक्ट आंसर है, रीजन को सॉल्व करो करेक्ट है, तो उस केस में हमारा ए और बी इन दोनों में से कोई आंसर आता है। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो स्टेटमेंट ए assertion क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17 देन देयर एलसीएम इज 340। ठीक है, फॉर्मूला पता है ना ऐसे क्वेश्चन का, चैप्टर वन क्लास 10 चैप्टर वन में है ये फॉर्मूला कि एलसीएम इंटू एस सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यहां से देखो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है 5780, हमें एलसीएम दिया हुआ है 340 है, एस सी एफ भी हमें दिया हुआ है 17 है। देखो 340 इंटू 17 अगर करेंगे तो हमें मिलेगा 5780 इज इक्वल टू 5780। इट मीन्स जो हमारा assertion है स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। ठीक है, अब स्टेटमेंट बी देखो, स्टेटमेंट आर देखो, रीजन क्या कह रहा है, एस सी एफ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एलसीएम। देखो हमें कोई दो नंबर ले लो, 3 और 12, हमने दो नंबर लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3 और 12 का,
12 होगा। इसका एलसीएम क्या करेंगे? एलसीएम 12 क्यों आया? क्योंकि हमेशा बड़ा नंबर हम लोग एलसीएम कंसिडर करते हैं, एचसीएफ के लिए हमेशा हम लोग छोटा नंबर कंसिडर करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने इसका जो सेम क्वेश्चन है एमसीक्यू का सेक्शन ए में जो आपके एमसीक्यू है उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी लॉजिक पे बनता है। एचसीएफ में हमेशा हम लोग छोटा नंबर कंसिडर करते हैं, तो एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एचसीएफ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, तो 3 जो है वो 12 का फैक्टर है। इट मीन्स कि स्टेटमेंट आर जो है वो भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो हमें यहां से क्या मिला? हमारा assertion भी करेक्ट है, हमारा रीजन भी करेक्ट है। तो अब स्टेटमेंट को चेक करना स्टार्ट करो। इट मीन्स कि दोनों करेक्ट है, तो सी और डी तो नहीं होंगे, तो सी और डी में तो पहले ही क्रॉस लगा, तो नहीं होंगे। अब ए और बी को चेक करते हैं। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। देखो, ये वाला जो assertion है और ये जो रीजन है, रीजन हमने कहीं पर भी assertion में यूज नहीं किया है। assertion का तो फॉर्मूला ही अलग है, वहां उसको हमने अलग फॉर्मूला से सॉल्व किया हुआ है। रीजन में हमें एचसीएफ का फैक्टर पूछ रहा है, वो चीज अलग है। इट मींस कि दो अलग अलग सवाल हैं, बट दोनों सवाल हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि दोनों ट्रू है बट रीजन जो है वो assertion ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों अपने आप में अलग अलग सवाल है। ओके, समझ में आया assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन? अभी हम लोग इसकी और प्रैक्टिस करेंगे ना एग्जाम के पहले, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे assertion रीजन पे बेस्ड, तो आप लोग की तैयारी और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, आगे करते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेटमेंट ए, assertion जो दिया है वो है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए बी सी आर डी and e respectively, then BC is equal to 20. ठीक है, और स्टेटमेंट क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। देखो, हम लोग assertion को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि उसके पीछे का रीजन ये है, रीजन जो है वो है कि नहीं, इस रीजन से assertion सॉल्व हो रहा है या नहीं। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये है हमारा ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इस ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट है, एबी का मिड पॉइंट ये कह रहे हैं डी है, और बीसी का जो मिड पॉइंट है ये कह रहे हैं ई है। डी और ई को कनेक्ट कर दो, और ये कह रहे हैं कि ठीक है, डी और ई को हमने कनेक्ट कर दिया। डी का हमें कोऑर्डिनेट पता है 3.5, हमें E का कोऑर्डिनेट पता है -3.3, ये हमारा E का कोऑर्डिनेट है। देन BC इज इक्वल टू 20, हमें ये निकालना है। देखो, जब हमने D और E को कनेक्ट कर दिया तो हमें यहाँ पे एक लाइन मिल गई, हमें लाइन दिया हुआ है, DE एक लाइन है, उसके हमें कोऑर्डिनेट पता है। तो इस लाइन का डिस्टेंस, इस लाइन की लेंथ वो मिल जाएगी हमें। कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, डिस्टेंस लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द डिस्टेंस क्या होता है हमेशा, लेंथ ऑफ द डिस्टेंस DE क्या होता है, क्या हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ सपोज कर लो, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करो, x2 क्या है -3 है, -3 माइनस x1 क्या है 3 है, इसका होल स्क्वायर। y2 क्या है -3 और y1 क्या है -5, इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, -3 -6 आया, -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर करेंगे पावर इवन है 36 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस -3 -5 -8 हुआ, -8 का होल स्क्वायर करेंगे 64, पावर इवन है इसलिए 64। ये कितना आया, अंडर रूट 100 आया, इज इक्वल टू 10। इट मींस DE हमें मिल गया 10 यूनिट। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें दो साइड्स के मिड पॉइंट पता थे। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर एक ट्रायंगल में D और E जो है वो मिड पॉइंट है,
तो डीई, तो डीई पैरेलल टू बीसी होता है, थर्ड साइड के पैरेलल होता है, और हाफ ऑफ द डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी होता है, ठीक है। तो यहां से बीसी की वैल्यू निकल गई 20, 2 इंटू डीई, डी कितना था 10 था, तो 2 इंटू 10 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स निकल गई हमें, यही तो गिवन था, बीसी इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। इट मीन्स जो हमारा assertion है वो हमारा करेक्ट है, BC is equal to 20 आ गया, ठीक है। अब रीजन देखते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। हमने इसी थ्योरम से assertion को तो प्रूव किया है। इट मीन्स कि जो रीजन है वो हमारा assertion का एक्सप्लेनेशन है, उसी थ्योरम से हमने assertion को प्रूव किया हुआ है, जो थ्योरम हमारी रीजन में दी हुई है, और रीजन में हमारी ये मिड पॉइंट थ्योरम ही दी हुई है, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। इट मीन्स जो रीजन है वो आपका assertion का एक्सप्लेनेशन है। तो देखो इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल होगा, देखो पहले तो दोनों ही आपके करेक्ट है, इसलिए सी और डी तो नहीं होगा, ठीक है। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए, तो हमारा ये ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा इसके लिए, क्योंकि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये रहे आपके एमसीक्यू का 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस, ओके। तो ये थे आपके स्टैंडर्ड मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशंस विद कॉन्सेप्ट। अब आपका सेक्शन ए जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद ऑनवर्ड्स हम लोग आगे के सेक्शंस करेंगे। इफ यू लाइक दिस सॉल्यूशंस एंड वीडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच।